उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देहरादून से आज सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार के नवीन पोर्टल अपनी सरकार का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके तहत ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपनी सरकार के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 9 विभागों की 75 सेवाएं लोगों तक सरल तरीके से और कैशलेस और पेपरलेस तरीके से उपलब्ध की जाएंगी। यहां सभी सेवाएं नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट केंद्रों और CSC केंद्रों और पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्नति पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उन्नति पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के सभी विभागों के परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके साथ ही लंबित विभागीय प्रस्तावों की निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही, परियोजना के प्रगति की निगरानी और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्नति पोर्टल विकसित किया गया है। इस अवसर पर चंपावत के जिला सभागार में वर्चुअल कार्यक्रम को प्रदर्शित किया गया। सभागार में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार लगातार जन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं एवं जन सुविधाओं को जनपद में लागू करने के लिए तत्पर है। सभी योजनाओं एवं सुविधाओं का फायदा जनपद के सभी नागरिकों तक पहुँचाया जाएगा। इस क्रम में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन करने की सख्त हिदायत दी है। अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं उन सब की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग विभागों में संपर्क करना पड़ता था और आवेदन करना पड़ता था। अब सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें 9 विभागों की 75 योजनाओं का लाभ वहीं से सीधे लिया जा सकता है। इसमें किसी को किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, सीधे अपना पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बना के वहाँ से लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी सुविधा का लाभ आपको वहीं से मिल जाएगा।